नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बना रहे हैं किड्स ब्लाउज, जो किड्स के लिए अनारकली ड्रेस होता है, स्कर्ट होता है, लॉन्ग स्कर्ट होता है, उसके लिए हम ऊपर का ब्लाउज, टॉप ब्लाउज बना रहे हैं। तो हमारा जो किड्स ब्लाउज है उसका जो मेजरमेंट है देख लीजिए, चेस्ट 22, कमर 20, शोल्डर होंगे 4.25 और स्लीव्स होंगी 10+7, यानी 10 लेंथ है स्लीव्स की और 7 बॉटम्स है। नेक है आगे का, फ्रंट नेक 4 इंच, बैक नेक 5 इंच। तो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको कटिंग और स्टिचिंग बताते हैं, दोनों एक साथ में मैं आपको बता दूंगी। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे और देखिए, एक बात और बता देती हूँ साथ ही साथ में, चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर लेते हैं किंतु आप बेल का आइकन, जो घंटी का निशान होता है, उसको आप ओके नहीं करते हो, तो आपको सभी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आपको सभी नोटिफिकेशन पहुँचे, आपको ये जानकारी रहे कि हमारी चैनल से कौन कौन से वीडियोज अपलोड हो रहे हैं, तो आप बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर आपको वीडियोज के बारे में पूछना नहीं पड़ेगा कि मैम इसका वीडियो कहाँ, वो वीडियो आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुँचेंगे। तो जो भी डिजाइन्स के, कटिंग्स के वीडियोस होंगे वो आप तक पहुंचते रहेंगे। आपको जो अच्छा लगे उनको आप वॉच कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम अपनी चनिया चोली ब्लाउज में लेंथ लेंगे। लेंथ यहाँ पे इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 11 इंच तैयार चाहिए, 10.5 या 11 इंच आप तैयार ब्लाउज रखिएगा। तो ये मैंने यहाँ पे 11.5 इंच लिया है, जो कि 1 इंच यहाँ पे लगभग सिलाई में ऐड हो जाएगा। तो वो आप ध्यान रखिएगा, जितना भी आपको लेंथ तैयार करना हो उससे आप प्लस 1 इंच कर लीजिएगा, ताकि आपकी स्टिचिंग में जाने के बाद आपको लेंथ पूरी जितनी आप चाहते हो तैयार मिले, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। अब लेंथ लेने के बाद में हम यहाँ पे शोल्डर लेते हैं। तो शोल्डर हम 4.25 ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप 4.25 इस नाप के अकॉर्डिंग शोल्डर ले लें। नेक विड्थ लेंगे हम 2 इंच, तो ये 2 इंच हमारी नेक विड्थ हो गई है। आगे का नेक है हमारा 4 इंच, तो 4 इंच पे पॉइंट लगा दीजिए और नेक की ड्राइंग कर सकते हैं आप। और फिर हम यहाँ पे 4.25 यानी 4.25 इंच पे पॉइंट लगाएंगे और अरमोल लेंगे हम 4.5 इंच, तो 4.5 इंच पे आप अरमोल लगा सकते हैं। तो ये हमारे 4.5 पे अरमोल हो गए हैं। और आगे पीछे के हम दोनों एक ही जैसी कटिंग करेंगे। इसमें देखिए हम शेप चेंज नहीं करें, जैसे हम लेडीज के ब्लाउज में शेप चेंज करते हैं वैसे नहीं। आगे और पीछे का जो दोनों का शेप है वो आपको बिल्कुल बराबर रख लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके, क्योंकि ये किड्स ब्लाउज होगा। तो चनिया चोली किड्स ब्लाउज है, स्कर्ट पे पहना जा सकता है, अम्ब्रेला घेर पे पहना जा सकता है, लॉन्ग स्कर्ट पे, अनारकली लहंगे पे पहना जा सकता है और चनिया चोली पे पहना जा सकता है। तो आप इसको किसी पे पहन सकते हैं। और ये प्रिंसेस कट में बता रही हूँ, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे चेस्ट का 4.5 इंच प्लस 1/2 इंच की लूजिंग लेंगे, तो ये हो गया 6 इंच पे पॉइंट लगा दिया है। कमर है हमारी 20 का 4th पार्ट हो गया 5 इंच और 1/2 इंच यहाँ की स्टिचिंग के लिए, 5.5 इंच और 1/2 इंच प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए, तो 6 इंच हो गया कमर में भी। टोटल आप वीडियो को बार बार सुनिएगा, एक ही बात को बार बार रिपीट करने में कोई फायदा नहीं है। आपको सुनना हो तो आप दोबारा सुन लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हैं, ये जो मार्जिन लिया वो 1.5 इंच का है। अब आप इसको सीधी भी ब्लाउज बना सकते हो। यहाँ पे मैं आपको प्रिंसेस कट समझा देती हूँ और सीधा भी बता देती हूँ। सीधी के लिए बस आपको सिर्फ एक डार्ट यहाँ पे लगानी होगी और ये डार्ट होगी चेस्ट का 10वां भाग यानी 2.5 इंच पे, मान लीजिए मिडिल सेंटर से 2.5 इंच पे आप ये डार्ट लगा दीजिए। और ये 4 यहाँ पे 3 इंच की लगा रहे हैं हम, ये 3 इंच की आपकी डार्ट हो जाएगी, 1/2 इंच की लगा दीजिए। ये आपका सीधा ब्लाउज हो गया है गुड़िया के लिए, बस ये एक ही डार्ट आपको यहाँ पे लगानी होगी, बैक साइड में और आगे में दोनों में आपको एक एक डार्ट लगानी होगी। आपका सीधा ब्लाउज यहाँ पे कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। अब मुझे ये बनाना है प्रिंसेस कट, तो मैंने कितना यहाँ पे ऐड किया है, 1/2 इंच, 1/2 इंच मैंने कमर से एक्स्ट्रा लिया था ना, वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। कमर से मैंने एक्स्ट्रा लिया था 1 इंच, 1/2 इंच आगे के जो क्रॉस जो हुक पट्टी ज्वाइंट करेंगे ना उसके लिए, और 1/2 इंच डार्ट के लिए। अब यहाँ पे हम देखिए ये जो शोल्डर नाप लेते हैं, यहाँ पे 6 इंच आए हैं, तो यहाँ पे हम 3.5 इंच में पॉइंट लगा देते हैं। और देखिए इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट में ऐसे मिला देना, ये तो प्रिंसेस कट की कटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी आपको कटिंग भी बता देते हैं। अब देखो आगे पीछे के दोनों पार्ट्स हमने बराबर कटिंग कर लिया। अगर आपको पीछे का नेक ज्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा और खोल सकते हो इसको,
जितना भी आपको चाहिए, 1 इंच या 2 इंच, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप इतना ज्यादा खोल सकते हो। तो ये मैंने इतना ज्यादा यहाँ पे खोल दिया है। ये तो हो गया हमारा बैक साइड। अब आगे की पार्ट्स में हमने 1 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे मैं ये 1/2 इंच की डाट और 1/2 इंच हुक पट्टी के लिए छोड़ देती हूँ। बैक साइड का जो पार्ट्स है वहाँ पे मैं 1 इंच डाट का लगा देती हूँ। जो डाट है हमारी वो 1 इंच की कर लेती है, तो बिल्कुल दोनों पार्ट्स बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारी डाट हो गई यहाँ पे, और ये 3 इंच की हम डाट लगाएंगे। ये 3 इंच की हो गई है, और इसको हम यहाँ पे हम 1 इंच ऐड कर देंगे, हाफ इस तरफ और हाफ इस तरफ। तो ये आपकी बिल्कुल दोनों पार्ट्स बिल्कुल बराबर हो गए हैं, और आपके पार्ट छोटे बड़े नहीं रहेंगे। तो ये 1 इंच की डाट होगी यहाँ पे, यहाँ पे आपको 1/2 इंच की होगी। अब हम आपको इसको आगे का जो बैक साइड का पार्ट्स तो ओके है, आगे का पार्ट्स आपको कटिंग करना बता देते हैं कि प्रिंसेस कट अगर आप बना रहे हो अपनी बेबी के लिए ब्लाउज, तो इसकी कटिंग कैसे करोगे। तो ये आपकी कटिंग हो गई हमारी यहाँ पे, और ये जो पार्ट्स है इसको हमें हल्का सा निकाल देना है। बस कितना सा, ये इतना सा देख लीजिए, आपके सामने इतना सा निकाला है। तो दो कट हो गए। अब हम कपड़े पे इसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद में स्टिचिंग करेंगे। अगर आप लॉन्ग बाजू बनाना चाहते हो तो देखो, मैंने डबल पार्ट्स यहाँ पे फोल्ड कर लिए हैं, और जो मैं आपको कटिंग दिखाऊंगी ब्लाउज की कटिंग, मैंने यहाँ पे इन पार्ट्स पे कर ली है। मुझे यहाँ पे 10 इंच स्लीव्स की लंबाई रखनी है, तो मैं 11 इंच ले रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ ताकि इसको फोल्ड किया जा सके। और यहाँ पे मैं 2 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, और फिर यहाँ पे आपको होगा 5 इंच, और 2 इंच को आप 5 इंच में ऐसे मिला दीजिए राउंड शेप में। आगे जो हमारे आर्म होल वो है 7 इंच, तो यहाँ पे 3.5 इंच पे ड्राइंग करेंगे। 3.5 इंच को हम आर्म होल पॉइंट में मिलाएंगे, और फिर हम यहाँ पे 1.5 इंच की जो मार्जिन लेंगे। तो ये हमारी मार्जिन पॉइंट हो गई है। अब आप इसकी कटिंग कर सकते हो। तो ये हमारी 10 इंच जो स्लीव है वो तैयार रहेगी। यहाँ पे मैं आगे के लिए थोड़ा सा हल्का सा शेप लगा रही हूँ बाजू की। दो बाजू को आप अलग कर लीजिए, और हल्का सा इस प्रकार से आप बाजू के आगे की साइड में ये शेप लगा दीजिए 1/4 इंच का। तो ये मैंने यहाँ पे 1/4 इंच का शेप लगा करके और इसको हल्का सा यहाँ पे कटिंग कर लिया। तो हमारी बाजू जो है वो तैयार है। अब मैं आपको सारे जो पार्ट्स है वो दिखा देती हूँ। ये हमारे आगे के 2 पार्ट्स हैं, और इसको हमने यहाँ पे 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया है, प्रिंसेस कट पार्ट है। और ये हमारे 2 पार्ट्स प्रिंसेस कट पार्ट्स है, इसको भी मैंने यहाँ से 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और ये मेरा बैक साइड पार्ट्स है, ये बिल्कुल बराबर है। तो आप बैक साइड पार्ट को बिल्कुल बराबर रखें। अब हम इसको आपको इसकी जो स्टिचिंग बता देते हैं। ना पार्ट स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा लिया था, और यहाँ पे हमारे मार्जिन पॉइंट है, तो ये मार्जिन पॉइंट पे हम यहाँ पे कट लगा देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये यहाँ पे हमारा मार्जिन पॉइंट है। अब हमें स्टिच, अगर आपका लाइनिंग का साथ में ब्लाउज है तो आप पहले लाइनिंग के पार्ट्स को इसको अटैच कर लो, दोनों को कच्चा स्टिचिंग करके अटैच कर लो, उसके बाद में आपको कैसे स्टिच लेना। देखो मैं सीधी स्टिचिंग बता रही हूँ आज में, तो आप सीधी स्टिचिंग लेना है ऐसे प्रिंसेस कट पार्ट को, हमें यहाँ पे इसको साथ में जॉइंट करना है। तो आप ऐसे इसकी स्टिच ले सकते हो, बीच से हमने कट किया हुआ है, तो जितना हमें स्टिचिंग में चाहिए, ये देखिए जो सिलाई के लिए चाहिए वो स्पेस हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो ये मैंने पार्ट्स यहाँ पे कम्प्लीटली स्टिच कर दिया है, दोनों पार्ट्स यहाँ पे हमने जॉइंट कर लिए हैं। और इसी तरह से हम इसी पार्ट्स पे और ये वाला पार्ट्स रख के स्टिच कर लेते हैं। तो ये दोनों पार्ट्स हमारे ऐसे स्टिच हो जाएंगे। प्रिंसेस कट कटिंग स्टिचिंग कोई हार्ड नहीं होगी, आप आसानी से कर सकते हो। देखिए सीधी सिलाई है और हमने इसको स्टिच कर लिया है, और ये पहना हुआ किड्स के बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस प्रकार का ब्लाउज जब सिंपल बनाएं, तो बच्ची के लिए इस प्रकार का ब्लाउज बनाएं। ये जो यहाँ से हमें स्पेस लगा तो वो हमने एक्स्ट्रा लिया था, ठीक है, ओके हो गया। अब हम यहाँ पे हुक पट्टी लगा देते हैं और इस पे गलाई की पट्टी अटैच कर लेते हैं। हमने हुक पट्टी ली है, डबल करके इसको स्टिच ले लेती हूँ। तो यहाँ पे हम सीधी हुक पट्टी डबल जॉइंट करेंगे और फिर अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। एक पार्ट्स पे आप हुक पट्टी स्टिच कीजिएगा जो भी आपका पार्ट्स, और एक पार्ट्स पे आप गड़ाई की पट्टी स्टिच कीजिएगा। तो गड़ाई की पट्टी भी हम इसी प्रकार से स्टिच ले लेते हैं। गलाई की पट्टी को मैं सिंगल स्टिच लूंगी,
सिंगल सिलाई करते हुए और फिर अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। हुक पट्टी को हमने स्टिच ले लिया है और इसको अंदर फोल्ड कर देंगे। तो देखो ये गलाई की पट्टी को हमने ऐसे फोल्ड किया है और हुक पट्टी को हमने पूरा अंदर फोल्ड कर दिया, तो ये हमारा तैयार हो गया। देखिए दो आगे का जो पार्ट है वो बिल्कुल से तैयार है, प्रिंसेस कट पार्ट, और मैंने आपको इसकी पूरी स्टिचिंग दिखा दी है। अब आप इसको बैक साइड के पार्ट से जॉइंट कर लीजिए। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट है, एक शोल्डर आप इस तरफ और एक शोल्डर आप इस तरफ जॉइंट कर लीजिए। शोल्डर को सिंपल आपको जॉइंट करना है जैसे कि हम अमूमन शोल्डर जॉइंट करते हैं। तो ये हमारे शोल्डर यहाँ पे जॉइंट हो गए हैं, दोनों शोल्डर हमने जॉइंट कर लिए हैं। अब हम आपको बाजू जॉइंट करना बताते हैं। तो देखिए शोल्डर को आप इस प्रकार से कर लीजिए, ठीक है। और जैसे ये हमारी बाजू है और ध्यान करेंगे कि बाजू का ये वाला पार्ट आगे का है, तो ये बाजू इसमें जॉइंट नहीं होगी। और ये बाजू है इसका ये वाला पार्ट आगे का है, ये बाजू इसमें परफेक्ट है। तो बाजू का जो सेंटर है उस पे आप यहाँ पे सेंटर पे रखे, बीच का जो सेंटर होता है हमारा, और यहाँ बीच के सेंटर से हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बीच के सेंटर को ध्यान रखिएगा आप, साइडें आपकी चाहे ज्यादा हो या कम हो, जो हमारी बाजू का बीच सेंटर है, मिडिल सेंटर है वहां से, और जो हमारे ब्लाउज का मिडिल सेंटर यानी शोल्डर का पॉइंट है, ये वाले जो शोल्डर है यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करते हैं और इसको यहाँ पे स्टिच ले लेते हैं। ये बिल्कुल सही और परफेक्ट इसकी स्टिचिंग आएगी आपकी। तो यहाँ पे हमारी वन सिलाई हो गई है, एक साइड की बाजू जॉइंट हो गई है। मार्जिन के लिए जितना हमारी ब्लाउज का मार्जिन लेते हैं जैसे 1 इंच या 1.5 इंच, तो उतना ही हमारे पास ब्लाउज बाजू में भी मार्जिन होना चाहिए, बराबर में मार्जिन लेना है ताकि बाजू जो है बिल्कुल बराबर रहे। दोनों पार्ट सब देखिए यहाँ पे हमारे बिल्कुल बराबर है। तो हमारी स्टिचिंग डबल में और पूरी हो चुकी है, एक स्लीव हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर ली है। और ये देखिए इस प्रकार से आपकी जो स्लीव है वो ज्वाइंट हो जानी चाहिए। तो ये जो मिडिल सेंटर होता है ये मिडिल सेंटर में आ जाता है और अच्छे से जो आपकी बाजू यहाँ पे देखिए ज्वाइंट हो गई है आगे और पीछे दोनों साइड में। सिलाई ऐसी करनी है कि बिल्कुल भी किसी पार्ट्स को खींचना नहीं होता है, बिल्कुल बराबर में रख के स्टिच करना होता है ताकि आपकी जो स्लीव की है, बाजू की जो सिलाई है वो बिल्कुल अच्छे से स्टिच हो। अब आप इसको डबल स्टिचिंग कर लें और फिर आप मिडिल सेंटर से बैक साइड पार्ट्स की स्टिचिंग कर लें, बहुत अच्छे से आपकी जो बाजू है यहाँ पे स्टिच हो जाती है। ये देखिए बिल्कुल आपके दोनों पार्ट्स इस प्रकार से बराबर रहने चाहिए, आगे के आगे बराबर, पीछे के पीछे पर बराबर में। अब जो बाजू का पार्ट है इस पे मैं पाइपिंग पट्टी लगा रही हूँ आगे की साइड में। तो यहाँ से आप ऑफ साइड से कोई भी पार्ट्स के, अब जो आपका स्कर्ट हो जाए लहंगा वो किड्स का, उसकी आप यहाँ पे पाइपिंग पट्टी लगाए। तो ये हमारे किड्स का स्कर्ट है और इसलिए मैंने इसी कलर की यहाँ पे पाइपिंग पट्टी अटैच कर रही हूँ। और ये पट्टी देखो मैंने 1 इंच के लिए है और डबल इसको करके फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसको ओन साइड में ऐसे फोल्ड कर लेंगे हम, आप भी लगाओ तो ऐसे लगा दे, इससे क्या अच्छा लुक आ जाता है। देखिए उल्टे साइड में यहाँ से स्टिच किया था हमने इसको ऐसे है, फिर इसको आपको ऐसे फोल्ड कर लेना है ऊपर की साइड में। तो अब ये ओन साइड में आ गई ना हमारी पट्टी, तो आपकी ऐसे एक डिजाइन हो जाएगी इसमें बाजू के आगे के साइड में। देखो दोनों पाइपिंग हमारी हो चुकी है बाजू की साइड में, मैंने दोनों पाइप दोनों बाजू में जो पाइपिंग है वो अटैच कर ली, देखिए दोनों बाजू में, ठीक है। अब हम नेकलाइन तैयार करते हैं, तो नेकलाइन पहले मिलाएंगे कि हमारी जो नेकलाइन है वो दोनों ओके है या नहीं है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम अपनी नेकलाइन जांच करेंगे, ये हमारी बाजू और ये हमारी नेकलाइन है। तो हम चेक कर लेंगे पहले कि जो हमारी नेकलाइन है वो बिल्कुल बराबर है या नहीं है, अगर छोटी बड़ी है तो हमें उसको सही करना होगा। तो ये देखिए इस प्रकार से इसको मिलाया जाता है नेकलाइन को, और लगता है कि बराबर है और लगता है थोड़ी सी छोटी भी है। यहाँ से देखिए इस पट्टी को जो ये एक्स्ट्रा है तो इसको तो हमें बाहर रखना होगा, और ये थोड़ी सी इससे छोटी है तो इसको हमें हल्का सा बड़ा कर लेना है। ये वाली जो पट्टी इसको थोड़ा सा हमें मुझे बड़ा करना होगा क्योंकि हल्के से मुझे लग रहा है कि छोटी है, तो इसको हल्का सा शेप लगा देते हैं यहाँ से, बिल्कुल मामूली सा लगा रही हूँ मैं। अब ये जो हमारी दोनों पट्टी है वो बिल्कुल
बराबर होनी चाहिए जो आगे की है वो, ठीक है। अब ये आप इस प्रकार से नेक चेक कीजिएगा, ये वाला हमारा नेक है तो बिल्कुल ओके है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम पट्टी जो लगा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ये वाली जो पट्टी लगा रही हूँ नेक लाइन तैयार करने के लिए। देखो मैंने ये उरी पट्टी ली है और इसमें जॉइंट लगा लिया है, और जॉइंट कैसे लगाते हैं ये देखिए, इस प्रकार से तिरछा जॉइंट होता है, इसको मैंने चीर भी लिया है, और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं ऐसे कट कर देती हूँ इस तरफ भी, और इस तरफ से भी जो एक्स्ट्रा होता है वो कट कर देती हूँ, तो ये इस प्रकार से जॉइंट लग जाता है, ठीक है। ठीक है, अब हमें इसको डबल कर लेना है जब मैं इसको स्टिच कर रही हूँ, तो जैसे मैंने बाजू में स्टिच की थी वैसे ही मैं यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। तो आप यहाँ से नेक लाइन लीजिए और नेक लाइन का ऑफ साइड लीजिए, तो मैं इस तरफ की नेक लाइन ले रही हूँ, सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली नेक लाइन लूंगी मैं यहाँ से, और ऑफ साइड से स्टार्ट कर रही हूँ, देखिए उल्टे साइड से ये मैंने ऑफ साइड में इसको पूरा स्टिच कर लिया है, और कैसे स्टिच किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे देखो ये ऑन साइड है और मैंने इसको कैसे ऑफ साइड में स्टिच किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये राउंड है तो यहाँ पे एक दो कट लगा लो आप, एक और दो, ज्यादा कट लगाने की जरूरत नहीं है, एक दो लगा दीजिए। एक दो कट लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसको हमें ऐसे फोल्ड कर देना है, देखो ये आगे की साइड, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे फिर हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे अपनी नेक लाइन पे। तो जो बच्चों के होते हैं वो किड्स की ड्रेस पे ये बहुत अच्छी पाइपिंग जो है वो लगती है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। आप चाहे तो इस पे जो ये धागा वो चेंज कर सकते हैं, पिंक कलर का ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे यही धागा यूज कर रही हूँ, तो इसको मुझे ऐसे करना है। देखो ये प्रिंसेस कट ब्लाउज में ये जो नेकअप बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लुक देता है, तो आप इसको ऐसे फोल्ड कर दे जाइए। सिर्फ मैंने दो ही कट लगाए थे, जहाँ पे हमारा गले का जो राउंड था ना वहां पे मैंने थोड़ा सा कट लगा दिया था ताकि राउंड अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब देखिए ये पट्टी बिल्कुल बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाती है और ये बहुत अच्छा लुक भी देती है। तो आप ऐसे उरे पट्टी को जॉइंट करके ऑफ साइड से और ऑन साइड में ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा, बहुत सुंदर किड्स के ड्रेस पे ये लगेगी। जो हम बच्चों की गुड़िया की जब ब्लाउज बनाए तो आप ऐसे लगाइएगा। तो ये मैंने पूरी आपको इसकी स्टिचिंग दिखा दी, और कहीं से भी ज्यादा हुई है नीचे वाली पट्टी तो आप इसको हल्का सा ऐसे शेप लगा करके कम कर सकते हैं ताकि ये इस पट्टी से बाहर ना दिखाई दे, कहीं से भी हो सकता है कि दिखाई दे, तो आप उसको थोड़ा सा कट कर ले। और यहाँ पे मैंने दो कट लगा दिए हैं और जो भी एक्स्ट्रा था उसको मैंने कट कर दिया है। अब इसको यहाँ पे हमें ऐसे स्टिच ले लेनी है। तो ये हमारी ब्लाउज की यहाँ पे आगे की नेक की जो है वो स्टिचिंग हो गई है, और ये देखिए जो नेक लाइन है वो बिल्कुल से तैयार है। तो यहाँ पे हम बैक साइड की डार्ट लगाएंगे। बैक साइड की डार्ट आप हाफ इंच की लगाएं, जितना के हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो ये हाफ इंच की हम बैक साइड में डार्ट लगा रहे हैं। तो ये हमारी दोनों डार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है बैक साइड पार्ट की, देखिए ये हमारी बैक साइड पार्ट की डार्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। फोर, अब हम फिटिंग की मार्किंग करते हैं। चेस्ट में हम 6 इंच पे और कमर में 5.5 इंच पे, 5.5 इंच पे ड्रॉइंग करते हैं, और बाजू में हम 3.5 इंच पे पॉइंट लगाते हैं। तीनों पॉइंट्स को हमें मिला लेना है, 3.5 इंच और चेस्ट में 6 इंच और कमर में 5.5 इंच को ऐसे पॉइंट मिला दिए। अब आप फिटिंग की स्टिचिंग कर सकते हो, और इससे पहले आप नीचे की जो फोल्डिंग है वो पट्टी स्टिच करके और तुरपाई की पट्टी फोल्ड कर सकते हो। तो ये मैंने देखो नीचे को फोल्ड कर दिया है और फिटिंग की स्टिचिंग भी कर लिया है, तो ये हमारा कम्प्लीटली तैयार हो गया है किड्स ब्लाउज और चनिया चोली ब्लाउज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पहना जा सकता है लॉन्ग स्कर्ट के ऊपर, पहना जा सकता है, ब्लाउज को आप किड्स के लिए तैयार कर सकते हैं।